बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप सभी को जो लैपटॉप और टैबलेट का इंतजार था, उसका इंतजार खत्म हो गया है। बिहार बोर्ड से 12वीं और 10वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी जाति के कैंडिडेट को, सभी को यहां पे मिलने जा रहे हैं फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट। इसकी स्वीकृति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दे दी है। जानेंगे पूरी खबर। देखिए, इसे न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार दिया गया था कि आप सभी का लैपटॉप जो है वो अब मिलना तय हो गया है। तो आप लोग का ये लैपटॉप सेंटअप एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के हाथों में होगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाए अपना लैपटॉप अपने हाथों में लेने के लिए और टैबलेट। यहाँ पे बात करें 10वीं और 12वीं के वैसे सभी परीक्षार्थी जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें। ये खबर आई थी कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को, 36 लाख छात्र छात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैब या अन्य गैजेट देने की तैयारी चल रही है। ये खबर आया था और मैंने आपको ये खबर दिखाई भी थी। इसके लिए टैब, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाली विभिन्न कंपनियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पहली बैठक की थी। अब जो है ये क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाली कंपनियों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया है कि कैसा लैपटॉप होगा और कैसा टैबलेट होगा। जब प्रेजेंटेशन दिखा दिया गया है तो बस आपका लैपटॉप जो है सेंटअप एग्ज़ाम से पहले आपके हाथों में दिखेगा। आपको बता दें, 12वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा, वहीं मैट्रिक के जो छात्र छात्राएँ होंगे, 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वो तैयार हो जाएँ मिनी लैपटॉप यानी एक टैबलेट लेने के लिए। आपको बता दें कि ये डिजिटल पढ़ाई के लिए गैजेट देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोला था कि मैं खुद हम लोग इसे छात्र छात्राओं को देंगे। यानी कि जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रखा है, उनकी तो हो गई है बल्ले बल्ले। जी हाँ, उन सभी को फ्री लैपटॉप का मज़ा मिलेगा और फ्री टैबलेट उनके हाथों में होगा, लेकिन उन्हें करनी होगी डिजिटल पढ़ाई। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है दूरदर्शन पे जाकर मोबाइल का ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई करना होगा, तभी ये लैपटॉप आपकी हाथों में होगा। दूरदर्शन व यूनियन ऐप के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा है, तो जो भी दूरदर्शन या यूनियन ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे सभी कैंडिडेट को सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन के तौर पे देखा जाएगा और उन्हीं छात्रों को सबसे पहले दी जाएगी। तो क्या आप भी दूरदर्शन या यूनियन ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर में जाएं और डाउनलोड कर लें दूरदर्शन और यूनियन ऐप से और पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि फ्री वाला लैपटॉप सबसे पहले आपको ही मिले। तो क्या आप तैयार हैं? क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं ITC और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो देर किस बात की, वीडियो को सभी को शेयर करके बता दें कि आप लोगों का लैपटॉप बस आपके पास आने वाला है। और ये लैपटॉप जो है, आपको फिर से बता दें कि यूनियन ऐप के तहत ही रजिस्ट्रेशन होगा इसका। कोई स्कूल में कोई फॉर्म नहीं होगा यूनियन ऐप से पढ़ाई करने वाले छात्रों का। पूरा डिटेल यूनियन ऐप में डाला रहेगा और उसके तहत ही आपके स्कूल कॉलेज में आपके नाम से लैपटॉप या फ्री टैबलेट देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, सेंटअप एग्ज़ाम जो होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, उससे पहले आपको हाथ में लैपटॉप दिखने लगेगा। तो वीडियो को शेयर करके जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं कौन 10वीं के छात्र हो और कौन से 12वीं के छात्र हो, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कितने छात्रों को लैपटॉप और कितने छात्रों को टैबलेट मिल रहा है। तो ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।